हर्षित तुमने वाली पोएम सुनी है? कौन सी? पोषण पावे पोषण पावे, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। हाँ तो चलो तो इस वाली पोएम को ना सच करते हैं और जेल चलते हैं। तू पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, आज मैं तेरे को जेल का खाना खिलाऊंगी, चल। अरे पागल है अबे, मैं नहीं जा रहा। अरे असली वाला जेल नहीं है यार, एक ना केज कैफे है कृष्णा नगर में जो कि जेल पे थीम पे बना हुआ है। वहाँ पे कैदियों के कपड़े और पुलिस के कपड़े पहन के घूमते हैं लोग, और खाना भी उन्हीं बर्तनों में मिलता है। क्या बात है, चले चलते हैं भाई, देखते हैं फिर क्या है क्या नहीं है। वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब सबको पता ही लग गया होगा कि हम जा रहे हैं केज कैफे, जो कि एक जेल थीम पे बेस है, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि यार मैं कभी ऐसी जगह पे गई नहीं कि अतरंगी सी जगह है जेल कैफे, ये तो द केज, द केज कैफे। तो अब फटाफट से चलते हैं वहाँ पे। जो यार, और आपको ये आपने किसी ने कमेंट वमेंट नहीं करा यार, जीबी का ट्रिप कैसा है? जीबी के उस ट्रिप पे बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे लिए, इतना टेक केयर है वो, इतना कंसर्न आया, पर अब मेरा पैर ठीक है। जिसे नहीं देखी वो देखना जरूर, जीबी की दोनों एपिसोड जाके बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो अब फटाफट चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन में। बहुत दिन हो गया फूड रिव्यू करे, बहुत दिन हो गया बाहर का खाए हुए, है ना, तो आज थोड़ा सा दम के मजा करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं कृष्णा नगर, वहाँ पे है केज कैफे, और फिर चलते हैं वहाँ का को अच्छे से रिव्यू देते हैं और बताते हैं क्या है सिस्टम। इतनी देर में पहुंचेंगे भाई, इतनी देर लगा दी बताने में, वैसे तो हम आसपास का करते हैं रिव्यू, पर आज हमने काफ़ी दूर जगह सुनी है। एंड फाइनली करीब 2 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं केज कैफे, और बाहर से बहुत ज़्यादा प्रीटी है। ओके सो दिस इज़ केज कैफे, और अंदर से एकदम जेल थीम पे बेस है ये। देखो छोटे छोटे खाने बने हुए हैं जेल के, अलग अलग सिस्टम है, वार्ड्स है एक तरह से अलग अलग, जो जंजीरें होती हैं वो भी लगी हुई हैं। ये देखो इन्होंने जेल के कपड़े पहन रखे हैं कैदियों वाले। ये जो ऑर्डर लेते हैं भैया ऑर्डर, या फिर जो भी है यहाँ पे स्टाफ, ज्यादातर पुलिस वालों की गेटअप पहन रखा है इन लोगों ने। ये मिक्स सॉस पास्ता है जो हमने ऑर्डर करा है, उसकी क्वांटिटी पनीर पास्ता है। हाँ, पनीर पास्ता, इसकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है। अब ये खा के पता लगेगा है कैसा पास्ता, कैसा है? ठीक, नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कुछ मतलब वो चीज नहीं है, ये हद के नॉर्मल, पर हाँ जो वो है एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग है। मतलब कैदी हो पुलिस वाले हो ऐसे बैठ के मतलब जेल टाइप खाना, और ये नहीं है कि जेल के उसमें मतलब बर्तनों में, जेल का बर्तन ही है ये। मतलब मेरे लिए तो ऐसा ही थोड़ा सा ऐसा चलता ही है। आज कैसा है? मेरे को अच्छा लगा, मतलब ओके पिज़्ज़ा भी आ गया वैसे हमारा। ये देखो ये कैदी जा रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हैं बाहर। तो इनके बर्तन जो है जेल वाले हैं, पर ये इन्होंने इतना मॉडर्न तरीके से क्यों दिया मुझे ये समझ नहीं आ रही है ना। तो ये गर्म किस में होते हैं? जो मैं कह रही थी बर्तन तो सारे जेल वाले हैं, मगर ये पिज़्ज़ा तो इन्होंने अच्छा खासा उसमें दिया है, एकदम मॉडर्न है। अब दे रहे तो सबको थी उसमें देना चाहिए था ना, ठीक है बाकी क्या हुआ। पिज़्ज़ा खा रहा है वो, थोड़ा सा ना मुंह बना रहा है पिज़्ज़ा खाते हुए, क्या हुआ अच्छा नहीं लगा? तो खाना ना एवरेज है एक तरह से। तगड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई है, अभी तो मैंने पिज़्ज़ा को हाथ भी नहीं लगाया बिल्कुल भी। हर चीज़ में फ्यूजन करती हुई मैंने ना सॉल्व जान ली, पहले तो हमारी लड़ाई हो गई कि हम इतनी दूर आए, इतने अनकंजस्टेड एरिया में आए, ये वो पार्किंग नहीं मिली, इतनी लड़ाई फालतू की, बट कोई बात नहीं, अब एक प्रॉपर आपको रिव्यू होगी गाड़ी में सबके, क्योंकि यहाँ पे ना आवाज़ गाने बज रहे हैं। गाइस तो हम वहाँ से निकल चुके हैं, और इतना गंदा खाना खा के भाई जिंदगी में मैं तो परेशान हो लिया भाई साहब। मतलब वहाँ पे तो चलो मैं तारीफ कर रही थी कि उस वक्त ना ठीक लग रहा था गरम गरम, बट जैसे जैसे उसको चबाया और जैसे जैसे बाद में एक फीलिंग आती है ना खाने की, यार वो मेरे को ना अंदर से ना बड़ी खा रही है। एंड मेरे को खाना देखो अच्छा नहीं लगा, यार हमारा चैनल इसलिए क्योंकि हम ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, झूठ नहीं बोलते बिल्कुल भाई। मैं सच बताऊं, मैंने जिबी के बाद ना आके
मैंने हल्की हल्की डाइट शुरू कर दी थी कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा आज तैयार आज कुछ अच्छा खाऊंगा जो थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर दे। माइंड फ्रेश नहीं हुआ, मैं माइंड डिप्रेस्ड हो गया यार, माइंड फ्लश हो गया। पिज़्ज़ा वो नहीं था उनका, वो नहीं था। अपना बेस था नहीं उसके अंदर, पता नहीं उन्होंने चिली पनीर डाला, कौन सा पनीर डाला मेरे को वो समझ में नहीं। उसके बाद हमने खाया उनका पास्ता, भाई साहब पास्ते के अंदर पानी था, उनका मेन कोर्स लिया नहीं था, शायद से मेन कोर्स ज्यादा अच्छा हो गया, लोग मेन कोर्स ज्यादा खा रहे थे वहाँ पे। अब देखो मेन दिक्कत ये थी कि रेस्टोरेंट ना बहुत ही ज्यादा ना एक अनकंजेस्टेड जगह पे है, मतलब गाड़ियां जाना बहुत, अब गाड़ी नहीं लगा सकते वहाँ, पार्किंग नहीं लगा सकते, गाड़ी लेके मत जाना बिल्कुल भी, बहुत प्रॉब्लम आएगी बाइक। पहली बात तो इतनी दूर जाना ही मत यार, वर्थ नहीं है। और देखो इतनी दूर अगर आप यहाँ से जा रहे हो जनकपुरी एरिया से, सुभाष नगर एरिया से, तो जाके कोई फायदा नहीं है, अपना जो उस एरिया में है ना वो सबसे बढ़िया बेस्ट फूड है, यहाँ आगे कोई फायदा नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करने वाली बात है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करती हूँ बिल्कुल भी आपको। और मेरे लिए तो साफ सीधी बात भाई, वेस्ट दिल्ली का फूड बेस्ट फूड है, अब चाहे कहीं पे भी चले जाना। अब मेरे को लगता है मेरे को वेस्ट दिल्ली अच्छे से और एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, अब उसको ही एक्सप्लोर करेंगे, कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय 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 बॉय।